दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट जारी हो चुका है। अगर आपको भी इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट घर बैठे ही अपने मोबाइल से देखना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। किस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है पीडीएफ फाइल में, किस तरीके से मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना है, कहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर डैगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट कैसे चेक करना है, मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है पीडीएफ में, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउजर पर आकर यहां पर सर्च करना है। आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट GDS। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पर आपके फर्स्ट नंबर पर एक लिंक मिलेगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन करके, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर हम आ जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, तो यहां से आप अपना मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में और अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहां पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं तो आप नोटिफिकेशन को भी यहां पर पढ़ सकते हैं। अब आपको नीचे आना है रिजल्ट चेक करने के लिए। नीचे यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर बहुत सारे स्टेट के नाम शो हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उसी हिसाब से नीचे आएंगे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो अगर आपके स्टेट का नाम यहां पर नहीं है तो आपको 5 से 6 दिनों का इंतजार करना है, उसके बाद आपके स्टेट का भी नाम यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। आप अपने स्टेट का भी रिजल्ट यहीं से चेक कर सकते हैं। तो आपको 5 से 6 दिनों का वेट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्टेट का यहां पर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का करूंगा, तो आपको अपने स्टेट के आगे यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन और खुलेगा लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट खुलकर आ जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिस्ट फर्स्ट, यानी कि अभी ये पहली लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका इस पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, ना ही डरना है। उसी हिसाब से जैसी पहली लिस्ट जारी की गई है, दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी, तीसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी और चौथी लिस्ट भी जारी की जाएगी। जब भी दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट जारी की जाएगी इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस मिस्टर डैगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं GDS की मेरिट लिस्ट 2, 3 और 4 का जो है वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सके, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पेज हैं, तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको एक एक करके कितने पेज हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 121 पेज में ये पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहां पर आपको डाउनलोड का एक बटन मिलेगा। आप जैसे ही डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। उस हिसाब से आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों हम पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। अब आपको कैसे चेक करना है आपकी नौकरी कहां पर लगी है, कौन सा आपका ऑफिस है, पोस्ट का नेम क्या है, कौन सी कैटेगरी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है या नहीं आया है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कहां कराना है, सब कुछ यही मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम डिवीजन में आएंगे। डिवीजन में आप जो भी डिवीजन में रहते हैं, जो भी डिवीजन से आपने आवेदन किया है दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज से आपको सारे डिवीजन यहां पर देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी इस तरीके से। अब दोस्तों यहां पर हम आते हैं ऑफिस की, तो आपका ऑफिस कहां होगा, जिस भी गांव में आपने अपना ऑफिस सेलेक्ट किया होगा वो यहां पर आप देख पाए, जैसे कि बीसलपुर है, डाबर है, दयालबाग है, दुल्हारा है, ढीमसिरी है, तो इसी तरीके से आपका ऑफिस उस गांव में यहां पर नाम शो हो जाएगा गांव का। उसके बाद आपको कौन सी पोस्ट मिली है, कौन सी नौकरी मिली है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको ABPM मिली होगी तो इसका मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। अगर आपको यहां पर आप देख पा रहे हैं BPM मिली होगी तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर की पोस्ट यहां पर आपको मिल जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आप यहां से आप अपनी पोस्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट यहां पर दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी जो भी कास्ट होगी, जाति होगी, वो यहीं पर शो कर जाएगा, OBC, SC, ST, जनरल।
तो यहीं पर शो करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 121 पेज हैं पीडीएफ के, तो आप एक एक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या काम करना है, सर्च का आइकॉन मिलेगा, आपको सर्च के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपने आवेदन किया होगा जीडीएस में, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर आपको डालकर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, यहां पर अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो यहीं पर पता लग जाएगा कि यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर ग्रीन कलर का दिखा देगा कि आपका यहां पर सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो यहां पर कोई भी यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च में नहीं आएगा। तो आपको क्या काम करना है, यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कितने परसेंटेज पर आपको जो है सिलेक्शन मिला है, वो यहीं पर शो कर जाएगा। एक एक करके आप देख लीजिए, जितने भी परसेंटेज पर आपको सिलेक्शन मिला होगा वो यहीं पर शो कर जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों 89% वाले को भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहां पर नाम दिया गया है, सिलेक्शन हुआ है उसका। तो इसी तरीके से आपको भी घबराना नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कहां कराना है, वो यहां पर दिया गया है। आपने जिस भी डिवीजन से ऑनलाइन आवेदन किया होगा वो यहां पर डिवीजन दिखाया जाएगा कि आपको यहां पर इस डिवीजन पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वगैरह और आपको जीडीएस का ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था उसकी प्रिंट आउट निकलवाकर आपको यहां पर ले जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लेना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे, पहली लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है, अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया होगा तो आपको दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट और चौथी लिस्ट वाला वीडियो भी इस चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस मिस्टर टाइगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्तों ने जीडीएस में ऑनलाइन आवेदन किया है उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना रिजल्ट चेक कर सकें, लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।